हेलो दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का पार्ट वन पढ़ेंगे। एवरेज यानी औसत। आज औसत पढ़ेंगे हम लोग, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का है। मोहन 5 पारियों में 40, 10, 25, 20 तथा 35 रन बनाता है, तो उसका औसत रन क्या है? मोहन 5 पारी खेला है और 5 पारी का रन दिया है, यानी मोहन का पहला पारी में कितना रन? 40 रन बनाता है। तो मोहन दूसरा पारी में 10 रन बनाता है, मोहन तीसरा पारी में 25 रन बनाता है, और मोहन चौथा पारी में 20 रन बनाता है, और पांचवा पारी में 35 रन। तो कह रहा है उसका सब मिलाकर एवरेज रन क्या है, यानी औसत। देखिए हम लोग औसत बराबर निकालेंगे, ठीक है? औसत बराबर, औसत क्या होता है? तो जो भी डाटा दिया गया है उसका योग करते हैं, ठीक है? यानी आंकड़ों का योग, जो भी आंकड़ा दिया है उसको क्या करेंगे? योग करेंगे। तो आंकड़ों का योग अब बट्टा में करना है, आंकड़ों की संख्या, क्या करना है? आंकड़ों की संख्या। तो निकल आता है औसत, ठीक है? औसत निकालने के लिए क्या कीजिएगा? आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, ठीक है? यानी सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा, तो निकल जाएगा औसत। अब देखिए जोड़िए सबको, तो यहां सबको जोड़िएगा, तो 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 बट्टा में, और क्या हुआ संख्या? संख्या है 1 2 3 4 5, वो तो 5 से भाग देंगे लेंगे, ये निकल जाएगा औसत। देखिए 40 10 50 50 और 20 70 हो गया। 70 और 30 100 और 100 और 30 कितना हो जाएगा? 130। 130 में 5 से भाग दे लेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है? और 5 6 30 यानी 26। यानी मोहन के 5ों पारियों का जब मिलाया जाए, सभी मिला करके, तो एवरेज रन कितना निकला? 26 रन का। ये कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी नंबर। ऑप्शन कौन जा रहा है? डी नंबर, ठीक है? ऑप्शन डी। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कराए 55, 60 और 45 छात्रों के 3 समूह। देखिए 3 वो समूह है छात्र का, एक समूह में 55 छात्र, दूसरा समूह में 60 छात्र और तीसरा समूह में 45 छात्र है, और उसका औसत क्रमशः 60 55 और 60 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक कितना? यानी पहला समूह में 55 छात्र है तो उसका औसत कितना है? 60। दूसरा समूह में 60 छात्र है तो उसका औसत कितना है? 55। और तीसरा समूह में 45 छात्र है तो उसका औसत कितना है? 60। तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा? तो क्या करेंगे? औसत बराबर सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, इन सबको जोड़िए। तो कैसे जुटेगा? देखिए 55 छात्र का औसत कितना है? 60। तो 55 गुना 60 करेंगे तो निकल जाएगा 55 छात्रों का कुल योग, यानी योग बराबर क्या जाएगा यहां से? औसत गुने संख्या। तो निकालेंगे 55 गुना 60 प्लस, अब 60 छात्र था उसका औसत कितना? 55। तो संख्या में औसत से गुना, तो योग 60 गुना 55 प्लस, अब 45 छात्र का औसत कितना? 60। तो 45 गुना 60, तो ये निकल गया संख्याओं का योग। अब बटा का करेंगे तो पूरा संख्याओं का योग निकला, बटा संख्याओं की संख्या से भागा, तो कई वो संख्या टोटल छात्र 55 छात्र, फिर 60 छात्र और 45 छात्र, यानी टोटल योग में टोटल छात्र की संख्या से भागा तो निकल जाएगा एवरेज। यानी क्या निकल का आया? एवरेज निकल का जाएगा ये। अब इसको कीजिएगा गुना, तो 55 गुना 6 कितना हो जाता है? 330, और एगो जीरो है तो एगो जीरो 33, यहां भी हो जाएगा 3300। और 45 गुना 6 कीजिएगा तो कितना जाएगा? 2700, 270, और ये वो जीव 2700 बटा में सबको जोड़ेंगे, तो सब जोड़ करके कितना जाएगा? तो आ जाएगा 160। 3300 3300 27 को जोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा 9300, 9300 भागा 160, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 58.12। यानी सभी छात्रों को मिलाकर एवरेज कितना निकला? 58.12। कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी नंबर। ऑप्शन जाएगा सी नंबर। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चार लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो विषमतम संख्या कौन सी है? देखिए चार गो कोई भी विषम संख्या में है और उसका औसत 40 दिया है, तो लगातार लीजिए। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर कर्मागत सम संख्या बोले या कर्मागत विषम संख्या बोले या कर्मागत प्राकृतिक संख्या बोले और उसका एवरेज पूछेगा तो हमेशा एवरेज बीच वाला होता है, एवरेज क्या जाएगा बीच वाला। और अगर टर्म बहुत बड़ा रहे यानी सीरीज बहुत बड़ा चल जाए तो अगर बीच वाला टर्म जानने में दिक्कत रहे तो लगाइएगा एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा दो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा दो, ये चीज याद रखिएगा। अगर कर्मागत, कर्मागत में होता का लगातार, तो अगर लगातार सम संख्या रहे या लगातार विषम संख्या रहे या लगातार प्राकृतिक संख्या रहे तो एवरेज क्या लगा बीच वाला। जैसे एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं, क्वेश्चन कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, तो इसका एवरेज कितना निकल गया? इसका एवरेज देखिए ये क्या है, लगातार में सम संख्या है, ये सीरीज किसका है तो लगातार सम संख्या का है, 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, तो इसका बीच वाला जो टर्म होगा वही इसका क्या होगा एवरेज हो जाएगा। देख रहे हैं बीच वाला टर्म कौन रहेगा, तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, तो 6 टर्म है तो इसका बीच में कौन आएगा, तो 3 टर्म इधर बढ़ गया, 3 टर्म इधर बढ़ गया, यानी यही ना बीच में आएगा, तो 6 और 8 के बीच में कौन आएगा 7, तो इसका एवरेज कितना जाएगा 7, ठीक है, इसका एवरेज कितना जाएगा 7, यानी दोनों के बीच का मान कौन आएगा, तो देखिए दोनों के बीच का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ लेंगे 6 और 8, 14, 14 भागा 2 कर लेंगे तो कितना जाएगा 7, ये एवरेज निकल जाएगा। या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 भी लगा सकते हैं, या एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, या तो ये भी लगा सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो ये भी निकलता है, यानी 12 2 14 बटा 2 कितना हो जाएगा 7। या और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा। देखिए ये भी लगातार में क्या है सम संख्या है, ये भी क्या है लगातार में सम संख्या है, देखिए 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 26, 28, क्या है लगातार में सम संख्या, तो लगातार सम संख्या रहे तो एवरेज कौन रहेगा बीच वाला, तो इसके बीच में कौन आ जाएगा तो ये 22, तो यही क्या कहलाएगा एवरेज, एवरेज क्या कहलाएगा 22, ठीक है। या फर्स्ट प्लस लास्ट 16 और 28 जोड़िएगा यहां से तो 44, 44 भागा 2 की जगह कितना आएगा 22, तो वही आएगा। तो और ले लेते हैं यहां से, इसे ले लेते हैं 20, 22, 24 डॉट 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 यहां तक मान ले 198 तक, 198, और इसका एवरेज पूछेगा तो कितना जगह। देखिए ये सीरीज क्या हो गया बहुत लंबा हो गया यानी बड़ा चला गया है, ठीक है, तो ये सीरीज बड़ा चला गया है तो बीच वाला टर्म जानने में आपको दिक्कत होगा, तो एवरेज क्या लगाइएगा, तो एवरेज लगाएंगे फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी 20 प्लस 198 भागा 2, तो यह जाएगा एवरेज। जोड़िएगा यहां से तो 8, 9, 2, 11, 1, 1, 2, 218 भागा 2 यानी इसको काटकूट कीजिएगा तो आ जाएगा 2 का 2, 0, 2, 9, 18, 109 यानी इसका एवरेज कितना जाएगा 109। इस तरह से कर्मागत सम संख्या में या कर्मागत विषम संख्या में या कर्मागत प्राकृतिक संख्या में रहे तो एवरेज कौन हो जाएगा बीच वाला टर्म हो जाएगा, और बीच वाला टर्म अगर जानने में दिक्कत रहे तो लगा दीजिएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो ये भी एवरेज निकल जाता है। देखिए यहां से क्वेश्चन दिया है चार लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया है 40, तो विषमतम संख्या कौन यानी सबसे बड़ी संख्या, तो चार लगातार विषम संख्या लेते हैं कोई, तो ए बी सी और डी, ये क्या है चार लगातार विषम संख्या है, ठीक है, ये चार लगातार क्या है विषम संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि चार लगातार विषम संख्या है इसका एवरेज क्या होना चाहिए बीच वाला टर्म होना चाहिए, ये क्या बीच वाला बी और सी के बीच में, तो बताइए बी और सी के बीच में एवरेज कितना दिया 40, बताइए अगला संख्या कौन हो जाएगा 41, विषम संख्या 41, अगला विषम संख्या कौन हो जाएगा 43, अगर इसके पहले लीजिएगा विषम संख्या तो कौन हो जाएगा 39, इसके पहले विषम संख्या लीजिएगा तो कौन हो जाएगा 37, तो यही हो गया सबसे छोटी संख्या 37, यानी 37, 39, 41, 47, यही चार लगातार विषम संख्या था, इसका एवरेज निकालिएगा तो 43 प्लस 37 बटा 2 कीजिएगा तो 80, 80 भागा 2 कीजिएगा तो 40, यानी एवरेज 40 आ जाएगा। तो पूछ रहा है विषमतम संख्या कौन, तो विषमतम संख्या कौन है 43, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी 43 सबसे बड़ी संख्या इसमें है।
आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आठ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है। देखिए आठ क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो आठ क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिए कोई, तो मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या होगा, आठ वो है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ वो ये क्या है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या मान लिए, यही आठ वो। और इसका एवरेज किया कितना दिया 38.5। तो हम बताए थे कि क्रमागत सम संख्या बोले या क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोले या क्रमागत विषम संख्या बोले, तो एवरेज क्या होगा, बीच वाला। तो क्रमागत ये प्राकृतिक संख्या, एवरेज बीच वाला हो जाएगा, तो बीच में कौन आ जाएगा, तो यहां पर बीच में जाएगा, लाइन खींच लीजिएगा, इसे कंफर्म बीच में नहीं आएगा तो लाइन खींच करके डी और ई के बीच में, तो एवरेज कितना निकला 38.5। बताइए अगला प्राकृतिक संख्या कौन आएगा 38.5 के आगे, कौन आएगा, 39 आ जाएगा, यानी 38 से 39, यहां कौन आ जाएगा, तो 40, ये कौन आ जाएगा 41, ये कौन आ जाएगा 42। अगर 38.5 के पहले वाला चलेगा प्राकृतिक संख्या, तो कौन आएगा 38, फिर आएगा 37, फिर आएगा कितना 36, फिर आएगा 35, यानी 35 से 42 तक यही आठवां क्रमागत प्राकृतिक संख्या था। इसका औसत जब निकालिएगा तो आएगा 38.5। देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट वाला दो निकालिए, 35 और 42 जोड़ करके दो से भागा दीजिएगा तो 38.5 आएगा एवरेज। तो करा विशालतम संख्या कौन है, तो विशालतम संख्या कौन आया है, तो एच का मान कितना आया 42, तो 42 कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सी नंबर, यही हुआ सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन है 42। अगर पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन, तो सबसे छोटी संख्या ए, ए का मान कितना 35, यानी सबसे छोटी संख्या आ जाता 35। ठीक है, आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया कि लगातार पांच सम संख्या, क्या बोला है, लगातार, लगातार मतलब क्रमागत, तो क्रमागत पांच को सम संख्या है और इसका एवरेज दिया 52। तो हम लोग जानते हैं क्रमागत सम संख्या रहेगा तो उसका एवरेज कौन आएगा, बीच वाला, तो बीच में कौन आएगा, ए बी सी डी ई के बीच में, तो सी आएगा, तो सी का मान यहाँ पता हो गया कितना 52। बताइए अगला सम संख्या कौन आ जाएगा, यहाँ से 54, अगला सम संख्या कौन हो जाएगा 56, और इसके पहले जाइएगा तो 50 के पहले सम संख्या कौन आएगा 50, और 50 के पहले कौन 48, यानी ए का मान 48, बी का मान 50, सी का मान 52, डी का मान 54 और ई का मान 56। देखिए यही का औसत निकालिएगा तो 52 आएगा। अब बता दे यार बी और ई का गुणनफल कितना, बी गुना ई का मान पूछ रहा है, तो बी का मान 50 और ई का मान कितना 56, तो 50 गुना 56 कर लेंगे, यानी 56 गुना 5 कर लेंगे पहले, तो 5 36 के 0 अपना 3, 25 और 3 28 और एगो 0, यानी कितना जाएगा 2800, यानी कौन सा ऑप्शन जा रहा है, डी नंबर, ऑप्शन डी। आइए छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत है, 100 तक का विषम संख्या, बताइए 100 तक के विषम संख्या कौन कौन आएगा, तो पहले तो आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर 9, फिर 11, उसी तरह डॉट डॉट कहां तक जाएगा, तो 100 तक में, तो 100 तो विषम संख्या हो गया, तो इसके पहले विषम संख्या कौन आएगा 99, यानी यही सीरीज गया है। और इसका पूछा है एवरेज कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या है, लगातार में विषम संख्या है, तो लगातार विषम संख्या रहेगा तो एवरेज कौन होगा, बीच वाला। अब बीच वाला यहाँ टर्म जानने में आपको दिक्कत है, बीच वाला टर्म जानने में क्या होगा, दिक्कत होगा, इसीलिए क्या लगाइएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दो, तो फर्स्ट 1 और लास्ट कितना 99, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा दो, तो 99 100, 100 बटा दो कीजिएगा तो कितना जाएगा 50, यानी आंसर कौन जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर जाएगा यहाँ से। देखिए सातवां क्वेश्चन बोला है, सातवां क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 10 सम संख्या लीजिए, तो प्रथम सम संख्या कौन होता है 2, तो 2 गुना 1, 1 क्या है पहला टर्म, और 2, 2 क्या है सम संख्या, 2 गुना 1 2, 2 गुना 4, 2 3 6, ऐसी डॉट डॉट कहां तक जाएगा, तो 10 को, तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा 20, यानी प्रथम सम संख्या 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, उसी तरह दसवां कौन जाएगा 20। इसका पूछा है औसत, बताइए कि अगर क्रमागत सम संख्या में रहेगा तो एवरेज कौन हो जाएगा, बीच वाला टर्म, और बीच वाला टर्म जानने में दिक्कत हो जाएगा, तो क्या लगाइए, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दो, तो फर्स्ट 2 लास्ट 22, तो 2 प्लस 22 बटा 2 यानी कितना जाएगा, अरे 20, 20 और 2 22, 22 बटा 2 कितना जाएगा 11, यानी कितना जाएगा यहां से, ऑप्शन सी नंबर। आइए आठवां नंबर क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या प्रथम कौन होता है, तो अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, पहले देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जो सिर्फ अपने आप से कटता है और किसी से नहीं कटता है उसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। और तो प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2, ठीक है, तो 2 हो गया प्रथम, दूसरा कौन हो जाएगा 3,
फिर तीसरा कौन हो जाएगा पांच, फिर चौथा कौन हो जाएगा सात, और पांचवा कौन हो जाएगा तो ग्यारह। देखिये ये सब संख्या जो है सिर्फ अपने आप से कटता है और किसी से नहीं कटता है, तो यही हो गया अपाचक आभास संख्या। प्रथम प्रथम में दूसरा पहला दो, दूसरा तीन, चौथा तीसरा पांच, चौथा सात और पांचवा कौन हो गया ग्यारह। अभी इसका एवरेज पूछा है तो एवरेज क्या कीजिएगा, सम ऑफ डाटा बट नंबर ऑफ डाटा, तो सभी को जोड़िए, तो ग्यारह सात अठारह, अठारह पांच तेईस, तेईस तीन छब्बीस, छब्बीस दो अट्ठाईस, अट्ठाईस और संख्या क्या पांच को, तो पांच से भागा तो जाएगा पच्चीस पच्चीस, और यहाँ जाएगा कितना पच्चीस पच्चीस तीन, तो पांच छत्तीस यानी 5.6। ऑप्शन कौन जा रहा है यहाँ से एवरेज 5.6 जा रहा है, यानी इसका एवरेज आएगा 5.6। नौवां नंबर क्वेश्चन है 113 और 159 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत औसत कितना, देखिए कह रहा 113 और 159 तक, 159 तक बोला है, 159 के पहले नहीं 159 तक। देखिए 113 113 के बाद विषम संख्या कौन आएगा 115 आएगा, फिर कौन आएगा 117 आएगा, डॉट डॉट इसी तरह जाएगा कहां तक 159 तक, इसका एवरेज पूछ रहा है। देखिए ये क्या लगातार विषम संख्या, तो लगातार विषम संख्या तो एवरेज कौन हो जाएगा बीच वाला, तो बीच वाला टर्म इसमें जानने में दिक्कत है, तो क्या लगाइएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दो, यानी एवरेज यहां पर क्या हो जाएगा फर्स्ट यानी 113, लास्ट कितना 159 और बट्टा दो लगा देंगे तो निकल जाएगा एवरेज। बहुत आसान है, जोड़िए 9 3 12 का दूध में 1 5 1 6 1 7 1 1 2 272 272 बटा 2, अब इसको भागा दे लीजिए 13 2 26 एक बचा यहां से और 6 2 12 यानी 136, यानी इसका एवरेज कितना जाएगा 136। ऑप्शन कौन जा रहा है ऑप्शन डी नंबर जा रहा है। दसवां क्वेश्चन में है यदि सात क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है तो सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है बताइए। प्रथम सात को क्रमागत सम संख्या कोई भी लीजिए, सात को क्रमागत सम संख्या कुछ भी ले लेते हैं तो मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है सात को क्रमागत सम संख्या होगा कोई, और इसका एवरेज कितना दिया 16, तो हम बताए थे कि क्रमागत सम संख्या बोलेगा तो एवरेज कौन रहेगा बीच वाला, एवरेज कौन रहेगा डी, एवरेज कौन रहेगा डी, तो इसका एवरेज डी, डी का मान कितना 16, यानी एवरेज दिया 16 यानी डी बराबर 16 निकल गया। तो बताइए 16 के बाद अब 16 के बाद सम संख्या कौन आएगा 18 आएगा, 18 के बाद कौन आएगा 20, 20 के बाद कौन आएगा 22, 16 के पहले लीजिएगा तो कौन आएगा 14, 14 के पहले लीजिएगा तो कौन आएगा 12, 12 के पहले लीजिएगा तो कौन आएगा 10, तो अब यहां से निकल गया। अब सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछा है, तो सबसे बड़ी कितना 22 और सबसे छोटी है 10, 12 22 और 10 का अंतर कितना 12 का, यही निकल गया अंतर, यानी आंसर कौन हो जाएगा बी नंबर, आंसर आ जाएगा बी नंबर। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत। देखिए प्रथम 10 को प्राकृतिक संख्या के वर्ग लीजिए, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन था 1, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह कहां तक जाएगा 10 तक, 10 का स्क्वायर, इसका एवरेज पूछ रहा है। तो पहले इसका योग निकालिए और योग में टोटल संख्या से भाग कर लेंगे, संख्याओं की संख्या से भाग कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा औसत, ठीक है। तो चलिए इसका योग बताइए, हम लोग पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में कि एक से लेके एन तक के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है एक से लेकर एन तक के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई का होता है 6, ठीक है तो ये निकल गया योग। तो चलिए योग निकालेगा यहां से, तो n का मान कितना हो जाएगा 10, n क्या होता है लास्ट में, तो 10 लीजिएगा 10, 10 हो गई 11 और 10 गुना 20 हो गई 21 बटा 6, तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया है संख्याओं का योग, यानी एक से लेके 10 तक के वर्गों का योग कितना इतना आ जाएगा। अब औसत पूछ रहा था, औसत में निकालने के लिए क्या कीजिए 2 से भाग कीजिएगा, यानी आ जाएगा 10 गुना 11 गुना 21 भागा 6, और इसका फिर बट्टा में कीजिएगा 10 से भागा, 10 को संख्या तो 10 से भागा कीजिएगा, यानी यहाँ पर 10 से गुना हो जाएगा, नीचे में 10 से भागा, ये 10 10 कट जाएगा, ये 3 गुना 6 2 3 6 ऐसा 21 77 बटा 2 कीजिएगा तो कितना जाएगा 38.5 यानी 38.5, यानी इसका एवरेज कितना जाएगा 38.5, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना जाएगा 38.5 हो जाएगा।
कैसे, तो एक से लगातार एन तक के वर्गों का योग का फॉर्मूला लगाएं, तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तो ये वर्गों का योग होगा, जहां एन कब है लास्ट टर्म का है, तो एन कितना 10, तो यहां कीजिएगा तो ये वर्गों का योग, और इसमें फिर 10 से भाग कर लेंगे तो निकल जाएगा औसत। आइए बराबर नंबर क्वेश्चन, कह 8 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्ग का औसत कितना होगा, 8 तक के सभी विषम संख्या, तो देखिए 8 तक के सभी विषम संख्या कौन आएगा, 1, फिर कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 5, फिर कौन आएगा 7, और इसका वर्ग का पूछा है तो वर्ग कीजिए वर्ग, और इसका औसत निकालना है तो क्या कीजिएगा सभी को जोड़ करके और टोटल संख्या से भाग कर देना है, तो संख्या क्या है 1, 2, 3, 4, तो 4 से भागा तो निकल जाएगा एवरेज। देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो गया यहां से, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया 9, 49, 50, 50 और 30, 50 और 30 80, 80 और 4 84, 84 आ गया यहां से, और भागा 4, भागा मिले 21, 21 और 84, यानी कौन सा ऑप्शन जा रहा है ए नंबर, ऑप्शन ए, यानी क्या करना है 8 तक के सभी विषम संख्या लीजिए, तो 8 तक में विषम संख्या कौन कौन 1, 3, 5, 7, इसका वर्ग का औसत पूछा था, वर्ग कर लीजिए, तो वर्ग किए सबका, तो वर्ग करके जोड़ें तो 84 और संख्या का वर्ग 4 को, तो 4 से भागा तो निकल गया औसत। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क है 13 और 14 होमवर्क रहेगा, तो ये आप होमवर्क बना करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट में दीजिएगा आंसर कि किसका किसका आंसर कितना आ रहा है, 13 कितना आंसर आ रहा है, 14 कितना आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं इसमें, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्या घनों का औसत क्या होगा, तो प्रथम 13 को लीजिएगा, यानी हम लोग जानते हैं घन का योग क्या होता है, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब ... एन तक के क्यू रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाइएगा, तो लगाते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो ये क्या निकलेगा योग निकलेगा, तो हमको पूछा 13 तक है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 13, ठीक है, यहाँ 13 बैठा जाके ये निकल जाएगा योग, और फिर 13 से भाग कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा औसत, यानी संख्याओं का योग में संख्या से भागा तो निकलता है औसत, ठीक है। तो 13 नंबर आप बना करके और 14 नंबर बना करके हमको बताइए कमेंट में कितना आंसर आ रहा है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और शेयर करना बंद नहीं भूलिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर है 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि 4 संख्याएं इतना 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 है तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या है, ये भी आप बना करके बताइएगा, ठीक है। 14 नंबर और 13 नंबर ये दोनों होमवर्क रहा है, 13 और 14 ये दोनों आपका होमवर्क दे रहे हैं, इसको बता करके कमेंट में बनाना है कि आंसर कौन सा आ रहा है। आइए ये देखिए 9वां क्वेश्चन जो है ये एलिगेशन के जब पढ़ेंगे पार्ट चार उसका है जो होमवर्क दिए थे, तो पार्ट चार में जो होमवर्क दिए थे उसी का क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। तो देखिए जो बना करके भेजे हैं बहुत सारे लड़कन बना के भेजे हैं इसका आंसर, तो आंसर मिला लीजिएगा सबको। कहा एक बर्तन में 300 लीटर दूध है, इसमें से 60 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर दोबारा 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल जाता है, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए एक तो बता रहे शेष दूध की मात्रा निकाल लीजिए, और शेष दूध की मात्रा जाएगा 300 लीटर में घटा लेंगे तो निकल जाएगा पानी की मात्रा, तो दूध की मात्रा पानी की मात्रा अगर इसमें बैठाइएगा तो निकल जाएगा आंसर। यहाँ एक रूल बताए थे कि 300 लीटर दूध है उसमें से निकल रहा है कितना 60 लीटर, तो 60 लीटर निकल रहा है कितना में 300 में, यानी कितना भाग निकलेगा, तो इसको काटिएगा 60/25 300, यानी 1/5 भाग क्या हो रहा है निकल रहा है, बताइए 1/5 भाग निकल रहा है, यानी 5 लीटर में से 1 लीटर निकल रहा है, तो 300 लीटर में से कितना 60 लीटर, यानी हुआ 5 लीटर टोटल उसमें 1 लीटर निकल रहा है, तो बताइए बच रहा है कितना, तो 1/5 का शेष कितना बचेगा, और जो शेष आएगा क्या निकलेगा दूध की मात्रा, यानी 5 में से गया कितना 4 4/5, यानी अगर 5 लीटर है उसमें 4 लीटर क्या बच रहा है दूध बच रहा है, ठीक है, यानी 5 लीटर में 1 लीटर क्या रहा था निकल रहा था और उसके जगह पानी, यानी 5 लीटर में 1 लीटर पानी डला रहा था, तो यहाँ बचा क्या 5 लीटर में 4 लीटर क्या होता है दूध बचेगा, तो 4/5 भाग दूध बच रहा है, कई बार दो बार गुना कर लीजिए 4/5 × 4/5 यानी जगह 16/25। अब देखिए यहां से क्या करना है, 16/25 का मतलब क्या होगा कि अगर टोटल 25 लीटर होगा तो उसमें दूध कितना बचेगा 16 लीटर, यानी पानी कितना इसमें मिला गया होगा,
तो जितना निकला होगा उतना ही पानी मिलाया गया होगा, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो। तो ये मिल्क बचल है 16 लीटर तो पानी कितना मिलाएगा, तो टोटल मिशन 25 में 16 तो भेज कितना 9, 25 में 16 का रेशियो कितना 9, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना जाएगा 16:9 का रेशियो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन जाएगा सी नंबर। देखिए ये 10वां क्वेश्चन है जो वीडियो बनाया था चौथा जो एलिगेशन का उसका होमवर्क है, देख लीजिए। एक चिड़िया घर में खरगोश और कबूतर, देखिए एक खरगोश के 4 पैर और एक कबूतर के 2 पैर, अगर इनके सिर गिने जाए तो 200 होते हैं, सिर मतलब हेड, ये टोटल हेड कितना आ गया 200, और इनके पैर गिने जाए तो 580, यानी टोटल लेग कितना हो गया 580। तो कबूतरों की संख्या करना, कबूतर यानी क्या निकालना 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दो पैर वालों की संख्या के लिए होता है लेग माइनस हेड और गुना कितना से करना 4 से भागा 2। अब लेग कितना है 580 माइनस हेड कितना है 200 और गुना कितना से करना 4 से भागा 2, यानी 4 गुना का 800 में 580 मतलब 600 घटा लीजिए, तो 600 घटाएगा 200 और 200 और 20 और जोड़िएगा 220 बटा 2 कीजिएगा, यानी कितना जाएगा 110, यानी कितना जाएगा कबूतर की संख्या यहाँ से 110। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन ए नंबर, ठीक है ऑप्शन ए नंबर।